अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका अपना अस्कर अली और आप देख रहे हैं चैनल टेक्निकल बालवा भाई। यहां पर एक और फोन की अनबॉक्सिंग आ गई, स्पार्क्स न्यो 5 प्रो। ये नया फोन स्पार्क्स की तरफ से लॉन्च किया गया है 19,500 रुपए में, 2GB 32GB। लेकिन यहां पर आईटेल का भी A05S आ गया था, 4GB 64GB, 2GB 32GB, 19,500 में दिया है। तो ये खैर, अब न्यो 5 प्रो पाकिस्तान की मार्केट में नया फोन लॉन्च किया गया, वाकई वैल्यू फॉर मनी फोन है या ऐसे ही बस पैसे जाया करने वाली बात है, कमेंट्स में ये जरूर बताएगा। और वीडियो कंप्लीट देखिएगा, चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आपको एक नहीं काफी फायदे होंगे भाई, तो ज्वाइन कीजिएगा और हमें बताइएगा कि हमने नया सब्सक्राइब किया है। तो यहां पर जल्दी से बॉक्स को देखते हैं भाई। सामने का न्यू 5 प्रो है, साइड पर आपको काफी मेंशन किया गया। यहां पर ट्रिपल कैमरा, 13 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 5000mAh की बैटरी, चार्जिंग 6.5 इंचेस का डिस्प्ले, 32GB वाली यहां पर मेमोरी मिल जाती है और बैक पर काफी हाइलाइट्स हैं। हम ओपन करते हैं डब्बे को। तो डब्बे को जैसे ओपन किया, हमारा फोन है, फोन की बाद में बात करते हैं। पैकिंग काफी अच्छी है। यहां पर भाई आपको एक सॉफ्ट सा केस, सिम जनरेटर टूल मिल जाता है, सामने कुछ गाइडलाइंस मिल जाती हैं और इसके साथ आपको चार्जर 2 एम्पेयर का मिलता है जो कि 10 वॉट का है, और चार्जिंग केबल जो है वो टाइप सी वाली, अक्सर कर यहां पर माइक्रो यूएसबी मिलती है टाइप सी वाली, ये अच्छी बात है। उससे यहां पर जैसे ही हमने फोन को अनरैप किया तो कुछ इस तरह था, ओ यार ये तो आईफोन की तरह है भाई शेप इसका, ये देख सकते हैं सामने आपको आईफोन लगता है भाई। ये काफी जबरदस्त आपको बैक साइड से डिजाइन मिलता है, चाहे कॉपी किया गया है लेकिन 19,500 की प्राइस में डिजाइन यहां पर लश्कारे मारता हुआ नजर आएगा। यहां पर काफी आपको दोस्तों रिफ्लेक्शन वाला डिजाइन मिलेगा, ये मेट है, शाइनी डिजाइन इसे नहीं कह सकते। ओवरऑल कैमरा मॉड्यूल के हिसाब से भी ठीक ठाक आपको ये डिजाइन बैक से मिलता है दोस्तों 19,500 की प्राइस में। बैक से प्लास्टिक बॉडी है और यहां पर 13 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा यूज किया गया, और ये देख सकते हैं आपको डिजाइन भी काफी जबरदस्त मिलता है, और इसके साथ फ्लैश भी मिलता है आपको, एलईडी फ्लैश लाइट, 5000mAh की बैटरी यहीं कहीं लगाई गई है। राइट साइड पर फिंगरप्रिंट स्कैनर और यही पावर लॉक अनलॉक वाला बटन है, और इसके साथ ही आपको वॉल्यूम की रॉकर्स मिलते हैं अप एंड डाउन। फ्रेम आपको बिल्कुल हल्का सा मिलता है, वैसे बिल्कुल चीप क्वालिटी का। यहां पर 3.5mm का जैक आपको अपसाइड पर मिलता है और लेफ्ट साइड पर सिम ट्रे 3 स्लॉट वाली मिल जाती है। डाउन साइड पर आपको ये माइक मिल जाता है दोस्तों, ये ड्यूअल स्पीकर दिया गया लेकिन सिंगल स्पीकर है भाई, ये धोखेबाजी की गई है। यहां पर टाइप सी वाली चार्जिंग केबल आपको मिल जाती है। सामने की तरफ डिस्प्ले का एक्सपीरियंस दोस्तों, आपको एक नॉच टेक्नोलॉजी वाला डिस्प्ले मिलता है, ये देख सकते हैं आपको 10 मरले की क्या 50 मरले की चेन मिलती है यहां पर, और ये काफी बुरी लग रही है दोस्तों, पुराने दौर वाली तो जैसे मिलता था पुराने फोन्स में, वैसे आपको चिन्स और बेजल्स वगैरह काफी बड़े बड़े मिल जाते हैं, ये एक अच्छा नहीं लग रहा दोस्तों। फ्रंट साइड से डिस्प्ले, फ्रंट में आपको जो कैमरा मिलता है दोस्तों वो 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है। कैमरा वैसे स्पार्क्स के इतने अच्छे होते नहीं है कम प्राइस वाले में, लेकिन चेक कर लेंगे। यहां पर डिस्प्ले 6.5 इंच का IPS LCD वाला मिलता है। यहां पर आपको कलर्स वगैरह HD+ की रेजोल्यूशन है, कलर्स वगैरह आपको नॉर्मल देखने को मिल रहे हैं, बिल्कुल ब्राइटनेस इतनी खास अच्छी खासी नहीं मिल रही दोस्तों देखने के मामले में, नॉर्मल डिस्प्ले आपको मिल रहा है। यूज करने में दोस्तों आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड नहीं कर रहा, नॉर्मल एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहा है। हैंग की प्रॉब्लम हो रही थी जब मैं यूट्यूब ऑन कर रहा था, तो बहरहाल भाई नॉर्मल डिस्प्ले इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, इतना हाई फाई डिस्प्ले नहीं कह सकते, ये बिल्कुल भाई ऑनेस्ट ओपिनियन में दे जाऊंगा प्राइस रेंज के हवाले से। वैसे 4GB 64GB होना चाहिए था, ज्यादा बेहतर था। एंड्रॉयड 13 के साथ आपको ये फोन मिलता है भाई, और यहाँ पर ये स्टॉक एंड्रॉयड है लेकिन जो UI दिया गया है वो पुराने दौर वाला ही दिया गया जो क्यू मोबाइल्स में आता था, स्टॉक एंड्रॉयड ही है ये, लेकिन आपको एक्सपीरियंस UI का कुछ बेहतर नहीं मिलता। मुझे लगता है स्पार्क्स वाले UI पर काम नहीं करने वाले और खर्चा नहीं कर रहे, तो आपको ऑप्टिमाइजेशन वगैरह इतनी बेहतर नहीं मिलती इस फोन में। यहां पर दोस्तों ऑप्शंस वगैरह आप देख सकते हैं, वही पुराने दिए गए हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का आपको ऑप्शन मिल जाता है, ये खैर अच्छी बात है। यहां पर आपको दोस्तों प्रोसेसर जो है वो मेंशन कहीं भी नहीं किया गया, स्पार्क्स ने अपनी वेबसाइट पर भी मेंशन नहीं किया, मेंशन करना चाहिए। यहां पर 28 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर है तो कैसे मेंशन करते भाई, यहां पर 9863 वाला प्रोसेसर है दोस्तों, जो मैंने ढूंढ कर निकाला है सॉफ्टवेयर के जरिए, तो ये टोटली एक चीप और गेमिंग चिपसेट नहीं दिया गया, तो आपको बिल्कुल हल्का और डे टू डे यूज में भी प्रॉब्लम कर सकता है, हैंग की प्रॉब्लम दे सकता है, लेकिन 19,500 की प्राइस है, तो अगर आप डे टू डे यूज के लिए खरीदना चाहें तो आप खरीद सकते हैं, आपका
ओपिनियन है अपना भाई, आपकी मर्जी है। खैर यहां पर आपको डायरेक्टली कैमरा की तरफ चलते हैं, ज्यादा ऑप्शंस देखने को नहीं मिलते। कैप्चर, वीडियो मोड और वीडियो आप 1080p में रिकॉर्ड कर पाएंगे। स्लो मोशन का ऑप्शन है, मोर में आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं काफी ज्यादा, मैक्रो, वीडियो मैक्रो का ऑप्शन मिल जाता है और काफी ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, ये काफी अच्छी बात है। लाइव फोटो लेते हैं तो लाइव फोटो में आपको रिजल्ट नॉर्मल देखने को मिलता है, इतना खास नहीं है। फ्रंट बैक कैमरा से मैंने सैंपल्स लिए दोस्तों, कैमरा मुझे इसका पसंद नहीं आया, फीके फीके कलर्स हैं, अजीब से कलर्स आ रहे हैं, ऑप्टिमाइजेशन नहीं दी गई। अगर ऑप्टिमाइज थोड़ा किया जाए तो यही कैमरा भाई बम्बू रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो फ्रंट बैक कैमरा से रिजल्ट सैंपल्स आपके सामने हैं, बिल्कुल आप अपना भी ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर कर सकते हैं और कमेंट्स में बता सकते हैं स्पार्क्स ये जो है ऑप्टिमाइजेशन बेहतर शायद कब करेगा, ये लोग इंतजार में। पर दोस्तों साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दिया गया है तो ये देख सकते हैं आप, काफी स्लो है वैसे, काफी स्लो। तो दोस्तों फाइनल रिकमेंडेशन देना चाहूंगा कि 19,500 की प्राइस में, अगर 20,000 की प्राइस में देखें तो आइटल का A05s मौजूद है और उसके साथ अगर 1-2,000 पे अगर ऊपर बढ़े तो रेडमी का A2+ भी मौजूद है, चाहे पुराना मॉडल है, 3GB 64GB, तो 2GB 32GB इसकी प्राइस जो है 17,000 तक होनी चाहिए, फिर वैल्यू फॉर मनी आप इसे कह सकते हैं। डिजाइन के हिसाब से डिजाइन अच्छा खासा है वैसे, ठीक है, और 10W की चार्जिंग है, बाकी इतना कोई खास एक्सपीरियंस है नहीं इस फोन में। अब आपका क्या ओपिनियन है डायरेक्टली कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो की ज्यादा आपसे इजाजत, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।